देवास जिले के भुरासा थाना क्षेत्र की फार्म पिपलिया गांव में शादी के नाम पर 2 लाख ठगने वाली लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पर 2000 का इनाम रखा था। आपको बता दें कि मालवा क्षेत्र में कुंवारों को ठगने वाली इस तरह की कई गैंग क्षेत्र में सक्रिय है। जानकारी के अनुसार देवास जिले के भुरासा थाना अंतर्गत खूनपीर पिपलिया गाँव के रहने वाली सागर बाई और उनका बेटा रवि उस गैंग के शिकार हुए थे जो कुंवारे युवकों को अपने जाल में फंसाता है। इस गैंग ने 2 लाख रुपए लेकर रवि की शादी राधिका नाम की युवती से कराई थी। शादी के 8 दिन बाद राधिका अपने साथियों के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दुल्हन समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी और उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। राधिका पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। जनवरी में हुई वारदात के बाद पुलिस की काफी मशक्कत के बाद मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन से गिरफ्तार किया, जिसके बाद भुरासा थाने लाया गया जहां से आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया। यहां जनवरी में अपराध क्रमांक 30/2024 धारा 420/34 आर्थिक दंड विधान के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फरियादी रवि कलोता ने बताया था कि एक महिला ने उसको विवाह का झांसा देकर उसे 2 लाख रुपए कैट लिए हैं, जिस पर से अन्य आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो मुख्य आरोपी थी वो आज हमको सूचना मिली और उस सूचना पर हमने उज्जैन पुलिस टीम रवाना की थी, जिसमें SI अख्तर पठान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र, आरक्षक भूपेंद्र आदि रवाना हुए थे और वहाँ से उसको मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। सर कहाँ से पकड़ा है? ये उज्जैन में थी, उज्जैन गांधीनगर। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।